अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत मुश्किल से हमें इन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत आई है। पहले तो हम अकेले थे, पर अब हम आपका साथ है तो उन लोगों को जो सोचे वो आसानी से कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। दे देंगे। समझने की कोशिश करो बिंदिया, अगर किसी और ने ऐसा काम किया होता तो फिर मुझे उसे गिरफ्तार करना पड़ता, और तुम तो सीएम हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां कई ज्यादा है, और मीडिया बात को ऐसे तैसे घुमा फिराकर पेश कर देगी कि मुझे मजबूरन तुम्हें गिरफ्तार करना ही होगा। बिंदिया, ये सब कानूनी बातें हमारी समझ में नहीं आती अभय जी। हम तो एक साधारण सी लड़की है जो छोटे छोटे सपने लेके गांव से आए थे। हम तो केवल ये जानते हैं अभय जी कि अगर सच सामने आया तो परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी, अगर सच छुपा रहा तो सब खुश रहेंगे। हम आपको सासू माँ की कसम के खिलाफ जाते नहीं देख सकते। आपकी माता जी आपसे बहुत प्यार करती, हम उन्हें दुखी कैसे कर सकते। ये दुखी करके सिर्फ पापी लगेगा। हम सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेंगे। बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। इतना परेशान होती है? अरे तुम्हारा लल्ला बिंदिया की फिक्र सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो सीएम है। जब वो एक बार सीएम नहीं रहेगी ना तो तुम्हारे लल्ला के पास कोई मजबूरी नहीं रहेगी उसकी फिक्र करने की। भैया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, वैसे ही अभय बिंदिया को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देगा। बता रहे हैं मैडम, आपने 20 घंटे की मोहलत मांगी थी, वो मोहलत पूरी हो गई है। बताइए अब क्या कहना है आपको? पूरे प्रदेश की जनता तक पहुंच रही है आपकी आवाज, सभी को इंतजार है एक बड़े खुलासे का। आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपको समझ में आ रहा है आपने क्या किया है? आप पर अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रचाने का आरोप है। आपको सबूत पेश करने वाली थी और उन आरोपों को मिटाने वाली थी। बताइए कहाँ है वो सबूत? कोई सबूत नहीं है। हमने अंधेरे में तीर छोड़ा था जो शायद सही जगह पे नहीं लगा। आज हमारे पास सबूत नहीं है कि जो इल्जाम हमारे ऊपर है वो काम हमने नहीं किसी और ने किया है। तो मतलब आप स्वीकार करती हैं जो किया आपने किया? आपने ही अपनी सास को अगवा करवाया था, आपने अपने परिवार के खिलाफ साजिश की। आपको क्या हक है प्रदेश की सीएम बने रहने का?
अब हमारे पापा के सीएम बनने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। जवाब दीजिए, क्या आपको प्रदेश का सीएम कहलाने का हक है? जवाब दीजिए। हाय 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 हाय, कोई हक नहीं इनको सीएम बने रहने का। इंडिया भारद्वाज, हाय हाय, 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 इंडिया भारद्वाज, हाय हाय। चुप हो जाओ सबके सब। अगर इसके बाद किसी ने एक और शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं बेटी आप? वही जो मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। अब मैं चुप नहीं रह सकता। कोई भी कसम इतनी बड़ी नहीं होती कि सच का गला घोट सके। आज मैं आखिरी बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। प्लीज मुझे अपनी कसम से आजाद कर दीजिए माँ। प्लीज मुझे अपनी कसम से आजाद कर दीजिए माँ। प्लीज मुझे अपनी कसम से आजाद कर दीजिए माँ। मैंने इससे पहले भी आपसे बहुत कुछ मांगा है, कुछ मिला है और कुछ नहीं भी मिला है। लेकिन आज अगर आप मेरी इतनी सी बात मान लेंगी ना माँ, तो फिर मैं इसके बाद आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा माँ। प्लीज माँ, मुझे अपनी कसम से आजाद कर दीजिए। आप तो देख ही रहे हो ना माँ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये सबके सामने खुद को गुनेगार ठहरा रही है माँ। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बेगुनाह को बेइज्जत होते हुए खड़े होके देख रहे हैं। ये गलत है माँ, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ माँ।